हिसाब से तो ये तो सीधा सीधा ना मोदी जी को मैसेज है, आपकी हालत भी ट्रंप जैसी ही होगी अगर आप थोड़े दिनों में किसानों का साथ नहीं देंगे तो। अमेरिका एक दूसरा देश है पर उसमें असलियत दिखाई जा रही है किसान आंदोलन की, पर अपना जो देश है उसकी जो मीडिया बिकी हुई है, मैं चैनल पे चैनल बदलती रहती हूँ लेकिन एक खबर नहीं दिखती जिसपे किसान की जो ग्राउंड लेवल पे जो स्थिति है वो दिखाई जाए। किसानों को ये बोल रहे हैं कि वो पिज्जा खा रहे हैं, जब किसान जहर लेता है मरता है तब कोई बात नहीं करता, और वो पिज्जा बनता किससे है? वो लोग मोदी सपोर्टर्स है, वो लोग जो किसान परिवार से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, जो किसान की मजबूरियों को जानना नहीं चाहते हैं, वो देख नहीं रहे हैं कि किसान एक बार यहाँ पे आके तो देखिए, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कितने पुराने जन्मों से सब साथ में लेके आ रहे हैं, ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारा इंडिया है। 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, पर अब तो मैं यही बोलूंगी मोदी जी बुरे ही दिन दे दो, अच्छे दिन नहीं चाहिए। हमें दिल्ली जाना है, हमें गाजीपुर बॉर्डर पे कोई काम नहीं है, हमें दिल्ली जाना है, ये बैरियर खोले एक दिन नहीं रुकेंगे हम। ये जो किसान करते हैं उन्हें ज्यादा पता होगा या मोदी जी अपने ऑफिस में बैठ के बता सकते हैं? आप ही और कुछ एक दो चैनल यूट्यूब चैनल है जो असलियत दिखा रहे हैं, वरना सब तो बिकी हुई मीडिया है। तो आपकी वजह से हम है जो सोशल मीडिया पे असलियत देख पाए। आप देख लीजिए जो भी चीज बिक रही है वो सब कुछ गिनी चुनी कॉर्पोरेट्स है, उन्हीं को बिक रही है। मैंने बड़ी बड़ी पार्टियों की रैलियां देखी है, 15 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, पहली बार मैंने देखा है कि बासमती चावल की खुशबू आ रही है, हैं? और सबसे खास बात है कि थोड़ा सा हटिएगा, किसानों के जो नौजवान लड़के हैं और उनकी बेटे बेटियां हैं वो लंगर बांट रही हैं। और ये देखिए क्या नाम है भाई साहब आपका? वैभव चौधरी जी। वैभव क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ जी DU में। तो ये यहाँ क्यों ये लंगर बांटने के लिए सिर्फ आए हैं? नहीं सर, हाँ हमारे जब घर में सब किसान है तो हम तो जी खड़े होंगे सारे, हमारी ताऊ जी है, बाबा जी है सब। देखिए बासमती चावल की खुशबू आ रही है, लोग कह रहे हैं कि आप लोग बर्गर पिज्जा खाने वाला कहीं किसान होता है, आप तो बासमती चावल खिला रहे हैं जी। बर्गर पिज्जा भी हमारे यहाँ से ही आता है और जी ये भी हमारा ही है सब। क्या लग रहा है आप लोग तो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होते हैं, प्रधानमंत्री के बहुत बड़े सपोर्टर थे आप लोग, अब क्या हो गया है सर? हम नहीं थे जी, जो किसानों के साथ रहेगा जी हम तो उनके सपोर्टर हैं। तो कैसे ही, तो सरकार कह रही है कि हम किसानों के ही साथ हैं, कहते तो सब है जी, अब जो दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ भी कानूनों मोदी जी के बारे में क्या कहना है आपका, मानेंगे नहीं मानेंगे? बताएगी जी बहन, बताएगी मेरी। देखिए मोदी जी को तो मानना पड़ेगा अपने। आप पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम वैनिका है और मैं वैसे गाजियाबाद में रहती हूँ पर शामली उत्तर प्रदेश से है, किसान परिवार से है। कितना पढ़ा लिखी है आप? मैं अमेरिका से लौटी हूँ पिछले हफ्ते, एक हफ्ते का क्वारंटीन था मेरा, कल खत्म हुआ है, तो बस यहाँ पे आने का इंतजार था। अमेरिका में क्या करती थी मैं? अमेरिका में अभी 3 महीने पहले मैंने मास्टर्स डिग्री करी है बिजनेस एनालिटिक्स में और अब नौकरी कर रही हूँ अमेरिका में। तो देखिए ये है किसान की बेटी, अमेरिका से पढ़ के मास्टर करके आई है और लंगर बांट रही है, क्या क्या लगता है सरकार को देख के क्या लगता है? सरकार को तो जो अपने हिसाब से मानना है मानेंगे, पर हम लोग यहीं डटे रहेंगे, उनको मानना ही पड़ेगा चाहे कितना लंबा टाइम लग जाए, अपने हक के लिए यहीं खड़े रहेंगे। तो मोदी जी के दोस्त थे ट्रंप साहब, वो तो चुनाव हार गए, कुछ सीखेंगे? तो मेरे हिसाब से तो ये तो सीधा सीधा ना मोदी जी को मैसेज है, आपकी हालत भी ट्रंप जैसी ही होगी अगर आप थोड़े दिनों में किसानों का साथ नहीं देंगे तो। एक सीरियस सवाल बताइए कि क्या लग रहा है सरकार जो ये स्ट्रेटजी बना रही है, अपना रही है, बिल ला रही है, पूरी दुनिया में निजीकरण हो रहा है, एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था श्वेतों का, किसान का उससे भी बड़ा आंदोलन है, यहाँ की मीडिया जो बहुत बायस्ड है उस पर क्या राय है? हाँ जी, मैं सबसे पहली बात यही बोलना चाहूंगी, जब मैं अमेरिका में थी तब भी ये न्यूज आ रही थी, अमेरिका एक दूसरा देश है पर उसमें असलियत दिखाई जा रही है किसान आंदोलन की, पर अपना जो देश है उसकी जो मीडिया बिकी हुई है, मैं चैनल पे चैनल बदलती रहती हूँ लेकिन एक खबर नहीं दिखती जिसपे किसान की जो ग्राउंड लेवल पे जो स्थिति है वो दिखाई जाए, सिर्फ और सिर्फ एक आपका है और एक और you know about the national star। हाँ जी, हम YouTube पे आपकी वीडियोस देखते हैं। थैंक्स अ लॉट, खैर उस पर मुझे तारीफ के लिए थैंक यू, लेकिन मीडिया चैनल खबरें तो चला रही है लेकिन एंटी किसान चला रही है, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ये किसान नहीं है। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, जब बाहर देश के किसान होते हैं, चलो मान लिया वो बड़े किसान है, पर वहाँ के किसानों की इतनी वैल्यू, इतनी इम्पोर्टेंस की जाती है, वहाँ के किसान इतने अमीर होते हैं, वो जो बड़े लोग होते हैं उनमें माने जाते हैं, हमारे किसानों का ये हाल क्यों है? हमारे यहाँ छोटे किसान हैं, छोटी जमीनें हैं, तो आप अगर अपने किसानों को ये बोल रहे हैं कि वो पिज्जा खा रहे हैं, जब किसान जहर लेता है मरता है तब कोई बात नहीं करता, और वो पिज्जा बनता किससे है? वो पिज्जा बनता है हमारे ही गेहूं से, हमारे
हमारी उगाई हुई सब्जियों से, तो किसान क्यों ना खाए भाई? किसान का क्यों हक नहीं है वो पिज्जा खाने का? लेकिन जो ये स्मृति रानी है, महिला मंत्री है, कंगना रनावत का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, अभी साध्वी प्राची ने कहा है, जितने बीजेपी आरएसएस के सपोर्टर है वो सब एंटी कैंपेनिंग कर रहे हैं। ये बात सही है, क्योंकि मुझे लगता है ये ना अब क्या हो गया, अंधभक्त वाली बात हो गई है थोड़ी सी। जो लोग मोदी सपोर्टर्स है, वो लोग जो किसान परिवार से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, जो किसान की मजबूरियों को जानना नहीं चाहते हैं, वो देख नहीं रहे हैं कि किसान एक बार यहाँ पे आके तो देखिए कि मैं आपका नाम भूल गया, माफ कीजिएगा, बेनिका। हाँ जी, बेनिका। लेकिन इस देश के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिंदुइज्म के नाम पर और राम मंदिर बनाने के लिए वोट किया है सरकार को, और 303 सीटें आई हैं। देखिए, पहली बात तो मैं बोल दूं, जो भी यूथ है, मैं तो अपने उससे बोल सकती हूँ, कोई भी धर्म वर्म नहीं है, यहाँ सब एक है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कितने पुराने जन्मों से सब साथ में रह के आ रहे हैं। ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारा इंडिया है। आप कितने साल से अमेरिका में थे? मेरे को 1.5 साल हो गया है। और लौटी कब है? मैं अभी मुझे ये 2 हफ्ते का क्वारंटीन था। इस तरह का जाति और धर्म के नाम पर कट्टरता अमेरिका में होती है? अमेरिका में जाति तो नहीं होती, मैं बोलती हूँ हर देश का अपना अलग टाइप का वो होता है, तो वहाँ पे जैसे आपको पता है कि कलर के नाम पे भेदभाव होता है, लेकिन जिस तरीके से लोग साथ देते हैं, लोग आगे बढ़े हैं, मुझे पता है हमारे देश के युवा भी बहुत साथ देते हैं और सब एकता के साथ रहना चाहते हैं। सर, मेरी मिलना एक आपसे मतलब रिक्वेस्ट है, ये चीज़ कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है। मैं किसान परिवार से हूँ, अपने ताऊ जी, अपने बाबा जी, सबको सुनती हूँ। जस्टिफाई क्यों कर रही है? बिना किसान, जो मैं किसान परिवार से, मेरे पिता मजदूर थे, तो मैं क्या आंदोलन में नहीं आ सकता? नहीं, आंदोलन में आइए, मैं बता रही हूँ कि मैं आपको ग्राउंड लेवल रियलिटी बताती हूँ जो किसान देखता है। बल्कि अगर आपने आज खाना खाया है ना, उस अन्न जो आपके अंदर गया है, उसके लिए बस किसान की बात ना 2 मिनट सुन लीजिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, अब से 6 साल पहले बिजली का जो ट्यूबवेल चलती थी, जो बिजली का बिल आता था, वो 4-4.5 हज़ार के करीब आता था। लेकिन अभी मोदी क्या बोलते हैं कि हम 6 हज़ार देते हैं सालाना, सालाना। हाँ जी, 6 हज़ार, पर बिल कितना आता है? बिल आता है 16 हज़ार। चलो मान लीजिए उसमें से मैं वो 6 हज़ार हटा दूं, अभी वो बोलते हैं कि मैं 2 हज़ार और किसानों को दूंगा। किसानों को आपकी भीख नहीं चाहिए, किसानों से मेहनती कौम नहीं मिलेगी आपको, आप वो 2 हज़ार भी हटा दीजिए, 8 हज़ार, बाकी 8 हज़ार कहाँ जाए? इसी वजह से हर 17 मिनट में एक किसान जान देता है अपनी इस देश में, क्योंकि उस किसान को अपना हक नहीं मिल रहा है। तो बस ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, किसानों के सपोर्ट में आइए, अपना जितना टाइम हो सकता है दीजिए, वो लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। पहले आप मोदी जी के बारे में कैसे सोचते थे? सर देखिए, बहुत सच बताऊंगी, जब मोदी जी शुरुआत में आए थे, मैं छोटी थी, स्कूल में थी, पर जितनी वो बातें करते थे और सब बोलते थे, मुझे लगता था कि अच्छा वो आएंगे देश, जैसे वो बोलते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो मुझे भी ये लगता था कि अच्छा चलो, जब वो इतनी सबसे प्रॉमिसेस कर रहे हैं तो उस चीज़ को वो निभाएंगे भी। 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, पर अब तो मैं यही बोलूंगी, मोदी जी बुरे ही दिन दे दो, अच्छे दिन नहीं चाहिए, ऐसा लग रहा है। हाँ जी, वही बुरे दिन वापस दे दो, हम खुश है। अच्छा एक बात बताइए, पहली बार हो रहा है कि किसानों को कोई कुछ दे रहा है, किसानों के लिए कोई वो लॉज ला रहे हैं, पर किसान खुद हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। आपको पता है, मोदी और आरएसएस के समर्थक कहेंगे कि ये लड़की कहीं से लाई गई है, ये है ही नहीं किसान की। आप मेरा बैकग्राउंड देख लीजिए, मेरा पासपोर्ट देख लीजिए, एयरपोर्ट पे जाके देख लीजिए, मुझे 2 हफ्ते हुए हैं वापस आए हुए, और मेरा अमेरिका के बारे में लोग कह रहा है कि वहाँ खूब डंका बजता है साहब का, वहाँ जाते हैं पूरा स्क्वायर स्ट्रीट पर खूब रैली प्रदर्शन होता। तो आप मुझे बात बताइए, जब कोई बाहर देश में होता है, सबको लगता है कि अरे हमारे वो देश वाली भावना होती है, तो सबको, हाँ जी, तो सबको लगता है अरे हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो आप चाहे किसी भी बाहर देश में रह लो, आपको अपनापन तो नहीं मिलता है, तो सबको लगता है अरे हमारे प्राइम मिनिस्टर। ओबामा ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया है, नोम चोम्स्की बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, जितने दुनिया भर के जो रिफॉर्मर है, सोशल रिफॉर्मर है, वो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। आप सही बात कर रहे हैं, मेरे को कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या राय है इनके बारे में, जैसे ट्रंप की राय, जैसे ट्रंप के बारे में सोचते हैं वैसे ही मोदी जी के बारे में। मैं सच बताऊं तो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अलग अलग देशों के बच्चे आते हैं, हाँ जी, बहुत डाइवर्सिटी है। मेरे खुद की यूनिवर्सिटी में 35-40 कंट्रियों के बच्चे थे, तो इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स पे बात नहीं होती थी, क्योंकि जब तक मैं यूनिवर्सिटी में थी कुछ इतना बड़ा नहीं हुआ था आंदोलन टाइप। पर जो मेरे खुद के दोस्त हैं, वो मुझे वहाँ से फ़ोन कर करके बोल रहे हैं कि तू वहाँ पे है, जितना ग्राउंड लेवल पे हमारी सहायता हम कर सकते हैं हम करेंगे, बस हमें बताओ कि किस चीज़ की हम सहायता कर सकते हैं। जो जो अश्वेतों का आंदोलन हुआ था अमेरिका में, उसमें तो पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था स्टूडेंट्स का।
हाँ जी सुरेत, आप सही बोल रहे हैं। आपको लगता है भारत में कभी लोग धर्म और जाति छोड़ के एकजुट हो पाएंगे, गलत के खिलाफ खड़े हो पाएंगे? क्योंकि अभी किसान सबसे बड़ा मैसिव आंदोलन है। अभी मुसलमानों का आंदोलन था, CNRC उसको मुसलमान कहा, दलित आदिवासियों को बराबर डोमिनेट करते हैं। पहली बार किसान है जिसमें पावरफुल जो कास्ट है, जाट हैं, गुर्जर हैं, पटेल हैं, ये सब लोग यूनाइट हैं, ताकतवर लोग हैं, संख्या इनकी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद भी सरकार रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। क्या लगता है इस आंदोलन से कुछ चीज़ें बदलेंगी? पहले तो क्लियर कर दूं, ये जाति का आंदोलन है ही नहीं, ये अपने किसान भाइयों का आंदोलन है, हर जात से है। बस यही बोलना चाहूंगी, जो आज की यूथ है, मैं आपको अपने उससे बताती हूँ, आज की यूथ ये जाति धर्म और ये सब ये नहीं देखती है। अपने हिंदू भाई बहन, सब हिंदू भाई बहन, मुस्लिम भाई बहन, सिख भाई बहन, ईसाई भाई बहन, दलित भाई बहन, सब एक है, सब इंडियन है। तो साध्वी प्राची ने लेकिन कहा है कि ये लोग नक्सलियों के समर्थक है, कुछ लोग जमा हो गए हैं लाल झंडे। मुझे ये बातें सुन के तो सबसे गंदा दिन खोलता है कि जो लोग, आपको पता है एक किसान का जो काम होता है ना, वो सबसे ज्यादा धैर्य और पेशेंस का काम होता है। अपना बीज उगाते हैं, उसमें पानी डालते हैं, जोत जुताई करते हैं, इतना इंतजार करते हैं कि फसल उगेगी, फिर हम फसल को काटेंगे, फिर हम बेचने जाएंगे। ये आप एक बार जाके देखिए, सिर्फ एक तरफ की थोड़ी सी रोड रुकी हुई है, बाकी पूरा रास्ता खुला हुआ है। और जो लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे इन्होंने रास्ते रोक रखे हैं, हमने रास्ते नहीं रोके, हमें तो दिल्ली जाना है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे बैरियर्स लगा के हमें रोका हुआ है, और उन्होंने आप बैरियर लगा दे, हम रुके हुए हैं, हम किसी को परेशान। खबर फैलाई जा रही है कि आप लोगों ने रोड रोक सड़क रोक रखा है। जिसको ये खबर है, मैं आज अपनी तरफ से साफ साफ करना चाहती हूँ, हमें दिल्ली जाना है, हमें गाजीपुर बॉर्डर पे कोई काम नहीं है, हमें दिल्ली जाना है। ये बैरियर खोले एक दिन नहीं रुकेंगे हम यहाँ। एक आखिरी सवाल, अगर आपकी मोदी जी से मुलाकात होती है तो क्या कहेंगे उनको? मैं मोदी जी से सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि जब आपने ये बिल लाए थे, पहली बात तो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया इस चीज से पीड़ित है, आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तो बिल लाए वॉइस वोट के थ्रू, अभी आपने पार्लियामेंट्री सेशंस तो बंद कर दिए कि कोरोना वायरस है, पर आपने कोरोना वायरस के टाइम पे बिल पास कर दिया। क्या आपको इस बिल पास करते हुए जिन फार्मर्स के लिए बिल है उनकी आपको बातें नहीं सुननी चाहिए थी? क्या उन्हें ये बिल चाहिए, क्या उन्हें बिल नहीं चाहिए? आपने बस अपने मन से कर दिया। एक बार फार्मर्स के आके बात सुनिए, और आप शायद नहीं जानते हो कि उनके जो उनका पूरा है फार्मिंग से पीछे क्या जाता है, आप एक बार समझेंगे। तो कह रहे हैं कि माला माल हो जाएंगे किसान, दोगुना हो जाएगा आमदनी। आप मुझे एक बात बताइए, जो किसान करते हैं उन्हें ज्यादा पता होगा या मोदी जी अपने ऑफिस में बैठ के बता सकते हैं? ये किसान हमारे देश में ये इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि हमारे यहाँ बड़े किसान नहीं है कि उनके पास एकड़ों जमीन है कि 100 एकड़, 1000 एकड़, हमारे यहाँ छोटे किसान भी है। वो छोटे किसान ना बड़े बड़े कंपनियों के गुलाम। लगता है कॉर्पोरेट का दबाव है सरकार पर, ऐसा लगता है? हाँ जी, मुझे पूरा लगता है कि कॉर्पोरेट का है पूरा दबाव, क्योंकि आप देख लीजिए जो भी चीज़ बिक रही है वो सब कुछ गिनी चुनी कॉर्पोरेट्स है, उन्हीं को बिक रही है, तो मुझे पूरा लगता है कि दबाव है। बेनिका नाम है इनका, पढ़ाई करके अमेरिका से लौटी हैं, लंगर बांट रही हैं लोगों को। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस बिल का क्या होगा मुझे सचमुच नहीं पता, सरकार वापस लेगी नहीं लेगी ये भी नहीं पता, किसान हो सकता है कल लौट के चले जाए, लेकिन इस सरकार की विश्वसनीयता और पत्रकारिता की विश्वसनीयता दोनों बहुत खतरे में है। और इस आंदोलन के प्रति जितना सिंपथी हो रहा है लोगों को, मीडिया के काउंटर करने के बाद भी, मीडिया के निगेटिव कैंपेन के बाद भी लोग लगातार जुड़ रहे हैं। और मैं उम्मीद नहीं करता था पहले कि भारत में कभी कोई अपने हद अधिकार के लिए अपनी बहन बेटी को, मुझे पहले कभी उम्मीद नहीं थी, मैं 15-16 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं होती थी कि कभी कोई अपने हक आंदोलन के लिए अपने बेटी बेटियों को सड़कों पर लाएगा। लेकिन किसान के बच्चे जो हैं वो खुद ब खुद अपने घरों से निकल रहे हैं, ये एक आंदोलन नहीं जन आंदोलन है। सरकार अगर नहीं समझेगी तो डेमोक्रेसी है साहब, आपको बदल जाना पड़ेगा। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। बस आपको बोलना चाहूँगी कि आप सबसे, आप ही और कुछ एक दो चैनल यूट्यूब चैनल्स हैं जो असलियत दिखा रहे हैं, वरना सब तो बिकी हुई मीडिया है, तो आपकी वजह से हम हैं जो सोशल मीडिया पे असलियत देख पा रहे हैं। शुक्रिया, अच्छा लगता है कोई काम को अप्रिसिएट कर, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी TV अखबार जो चाहे वही होता है, सोशल मीडिया की अभी वो औकात नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप तक खबर। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।